सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधा अष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी की विशेष महत्वता, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण कथा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आप जरूर देखिए इस वीडियो को। राधा रानी हमेशा आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करें, यही हमारी कामना है। इस साल राधा अष्टमी 23 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा रानी का नाम साथ में लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा जी के साथ लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी के दिन राधाष्टमी मनाई जाती है। इस साल राधाष्टमी 23 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। मानता है कि राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण भी अधूरे थे और उनकी पूजा न करना भी अधूरा ही माना जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार की तरह ही राधाष्टमी की भी धूमधाम से मनाई जाती है। राधाष्टमी शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि प्रारंभ है सितंबर 22, 2023 को 1:35 से दोपहर और अष्टमी तिथि का समापन है सितंबर 23, 2023 को 12:17 पर। दोस्तों जानेंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्या है राधाष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी की तरह राधाष्टमी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि राधा रानी अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। और यह व्रत देखिए राधा जी के जन्म उत्सव के तौर पर रखा जाता है। राधा जी ने जन्म लिया था। जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राधा प्यारी उनकी बहुत ही प्रिय थी। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती है और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए जानते हैं राधाष्टमी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल सबसे पहले स्नान से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधा जी की सोने की संभव हो तो मूर्ति स्थापित करें, अन्यथा जिस जय की मूर्ति हो जिस चीज़ की वो स्थापित कर सकते हैं। तत्पश्चात राधा जी का पूजन पाठ करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजन पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें दक्षिणा दान करें। बहुत ही विशेष महत्व रखता है राधा रानी का यह त्यौहार। श्री राधा रानी ने ही आज के दिन जन्म लिया था। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद दोस्तों सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा का जन्म दिवस मनाया जाता है। राधा जी ब्रजभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण में जिनका कृष्ण बल्लभा कहकर गुणगान किया गया है वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्णा प्रिय थी। कुछ महान भाव राधा जी का जन्म दिवस श्री ब्रजभानपुरी बरसाना या उनके कहें तो ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान है। यह पुराणों में मध्याह्न का वर्ण भी प्राप्त होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी तिथि मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त श्रद्धालु व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा करते हैं। तो चलिए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा बताते हैं आपको। पहले जान लेते हैं इस साल राधाष्टमी 23 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है बड़े धूमधाम के साथ। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा ही माना गया है।
राधा अष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन इनके जन्म स्थल बनारस सहित पूरे ब्रजभूमि में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश मानी गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी के से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्र का जाप करते हैं उन पर देवी लक्ष्मी की खास सदैव कृपा बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। आपसे निवेदन है हमारे वीडियो को लाइक कर देना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए YTPS माइंड चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। YouTube पर मैं आपके लिए हर त्यौहार से संबंधित नए ज्ञान की वीडियो लाता रहता हूँ तो आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स पर नीचे लिख देना राधा जय हो राधा रानी की, जय श्री कृष्ण भगवान की, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं, जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा भी कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा किए गए श्राप के कारण सुदामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना था। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर ब्रजभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, लेकिन राधा रानी ब्रजभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और ब्रजभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गए। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है और घर में बरकत बनी रहती है। राधा रानी की ऐसी कृपा बरसाने वाली की ऐसी कृपा होती है कि मनुष्य के सारे कष्ट हर लिए जाते हैं और कहते हैं कि राधा रानी के बिना कृष्ण जी अधूरे होते हैं, इसलिए साथ साथ उनकी भी पूजा की जाती है और राधा रानी की पूजा अवश्य की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपने जाना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नए जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।